अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू लेके आए एक पार्क फैन के, मिस्ट फैन का। और मेरे पास ये फुल पैकिंग में मौजूद है। ये वाहिद ब्रांड है जो मिस्ट फैन का एक डिफरेंट डिज़ाइन बनाता है, यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है सबसे डिसेंट ना डिज़ाइन ये पार्क फैन का है, क्योंकि इसका जो वाटर टैंक है वो इसकी बेस ही लगता है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फ़ैन कैसा है, असेंबल करके दिखाएंगे आपको। तमाम दो पैकिंग है, एक इसका ये मेन पैकेट है जो कि कार्टन में है, और ये इसके जो है ब्लेड और सेफ गार्ड्स हैं। और इस वीडियो को पॉसिबल बनाया सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, तो सामने स्क्रीन पे आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इनसे रब्ता करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये ख़रीद भी सकते हैं। तो बॉक्स की सबसे पहले बात कर लें तो बॉक्स के ऊपर आपको जो है पार्क फैन की ब्रांडिंग मिल जाती है, 24 इंचेस पर डिजिटल मिस्ट फैन, और कुछ मोटर वगैरह और कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। 3 स्पीड्स हैं इसकी, 24 इंचेस जो है इसका पेडिस्टल फैन का जो साइज़ है, एडजस्टेबल मिस्ट वॉल्यूम, 20 लीटर्स जो है टैंक की कैपेसिटी है, और पिक्चर मिल जाती है जो कि इसके अंदर से चीज़ें निकलेंगी डिफरेंट। बका इसका प्रोडक्ट कोड है PD24M। बका ऑलमोस्ट सामने वाली साइड पे, बैक साइड पे यही इन्फॉर्मेशन है, और ये इसका एक केज है। तो अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं या तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले था ख़तरनाक वाला चाकू, लेकिन वो गुम हुआ है काफ़ी अरसे से ही, शायद मैं आप कितनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वाहिद ब्रांड है जो कि पैकिंग बहुत आउट क्लास दे रहा है मिस्ट फैन की खास तौर पे, नहीं तो अदर ब्रांड्स की जो है हर चीज़ आपको अलहदा मिल जाती है। वाटर टैंक अलहदा मिलता है, बेस अलहदा मिलती है, रॉड अलहदा मिलता है, केज अलहदा। इसके दो पैकेज हैं और इसको पार्सल भी हम ईजिली कर सकते हैं। तो पैकिंग बहुत ही आउट क्लास है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग है। इसका एक ये निकल आता है, ये आई थिंक सो के वाटर टैंक है। पहले तमाम चीज़ें निकाल लें, देन आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ है। ये है वो तमाम चीज़ें, ये इसकी मोटर है, ये इसकी बेस है जिसको आई थिंक सो के इस तरह रखेंगे, ये इसका रॉड है, और ये इसका मिस्ट वाला सिस्टम है। इसको भी खोलते हैं और ये इसको खोल ही लेते हैं, और ये आपको जो है एक मिस्ट फैन का एक गाइड मैनुअल कह लें, ऑपरेशनल कह लें, और इस साइड पे आपको असेंबल करने का तरीका। तो अब हम इसकी तमाम चीज़ें खोल लेते हैं और इसको असेंबल भी करना है, और असेंबल मेरे लिए इजी है, आपके लिए मुश्किल हो शायद, तो खोल लेते हैं। ये इसके टायर हैं और कुछ नोजल्स वगैरह हैं। पहले हम इसकी बेस को रेडी कर लेते हैं, इसको असेंबल करना बहुत ही मुश्किल है लिटरली। इस सारे पंखे को असेंबल करके फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप में से कोई पाकिस्तान या तो खास तौर पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है किसी भी सोसाइटी या किसी भी साइट की, तो अभी मिस्टर प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट के मुतालिक या तो खास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सोसाइटी CDS सेक्टर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी फॉलो कर लें, प्रॉपर्टी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फाइनली हमारा जो पंखा है वो असेंबल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर मुझे नहीं लगता कि आधा घंटा लगा होगा, इतना मतलब कि इसको डिफ़िकल्ट था जोड़ना। एक सहूलत आपको दे रहे हैं, पैकिंग बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ सेपरेट है और जोड़ने में ज़रा मुश्किल होती है। जी हाँ, लेकिन लुक वाइज अदर कंपनी से बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप लेना चाहते हैं मिस्ट फैन तो पार्क फैन का ही लीजिएगा। मैं देखता हूँ
कोशिश करता हूँ कि इसको शायद मैं चला सकूँ, क्योंकि इसको चलाने के लिए पानी चाहिए होगा, पानी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मैं वैसे आपको सिर्फ डिजिटल फैन चला के दिखा सकता हूँ, मिस्ट नहीं चला के दिखा सकता। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही आउट क्लास है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। बिल्कुल फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं इसकी, पाक फैन लिखा हुआ है, ब्रांडिंग हुई हुई है यहाँ पर। आप इसके सारे कंट्रोल्स अब आपको मैं बताता हूँ। चलो मिस्ट का जो कंट्रोल है, मिस्ट का कंट्रोल आपको जो है ना ये मिल जाता है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ, ठीक है। अभी ऑफ है, अभी ऑन है, ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी पाइप है जिससे आपकी जो वाटर है ना नीचे से, ये आपका जो है पानी ऊपर फेंकेगी, इस मिस्ट के अंदर आएगा। और ये तमाम चीज़ें, और ये आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ से मिस्ट में पानी जाएगा और ये इसी तरह जो है आपका काम करेगा। और आई थिंक सो कि इसको मुझे यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, उसकी वजह ये यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। वेस्टेज जो वाटर होगा ना वो इसके थ्रू शायद नीचे आएगा, तो इस वजह से इसको भी मुझे इस पानी के अंदर डालना पड़ेगा, इसके अंदर ही फिट करना पड़ेगा, या इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे ही होगा। बकाया इसका जो है ये स्विच है, हैवी ड्यूटी स्विच है। बैक साइड पे पंखे का जो कंट्रोल है वो इस बैक साइड पे, 1 2 3, और ये ऑफ। 24 इंचज इसका साइज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर कॉपर में इसकी जो वाइंडिंग हुई हुई है। साइज़ वगैरह, RPM वगैरह तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मेड इन पाकिस्तान प्राउडली। ये आप बगैर नीचे से सेट चेक कर सकते हैं, ये आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसका अलहदा था, ये पार इसके अलहदा थे, ये इसकी अलहदा थी, ये रॉड अलहदा था, नीचे सारा कुछ अलहदा था, ये इसका सारा सिस्टम था। तो इस वजह से इसको जोड़ने में ज़रा मुश्किल हुई है, काफ़ी देर लगी है मुझे। अब मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको, ओनली फैन चला के दिखाऊंगा, क्योंकि बकाया सिस्टम तो नहीं चल सकता। तो फैन चला देते हैं, आपको चेक करा देते हैं। वायर इसकी अलबत्त काफ़ी लेंथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑफ मिस्ट चल रही है, मिस्ट को ऑफ कर दिया हमने। ये इसकी फुल स्पीड है और बेहतरीन स्पीड है, फुल स्पीड में जो है काफ़ी आउट क्लास स्पीड है इसकी। और आपको महसूस भी हो रहा होगा, मैं तो महसूस कर रहा हूँ, मुझे आप महसूस कर सकते हैं। और ये इसकी राइट लेफ्ट है ना, ये इसको राइट और लेफ्ट घुमाने के लिए, ये चीज़। इसके नीचे एक लॉक होता है, आप उसको व्हील के अंदर ना आप उसको लॉक कर देंगे तो व्हील आपके लॉक हो जाएंगे, तो आपका ये जो है मूव नहीं होगा आगे पीछे। अलबत्ता इसके अंदर वाटर टैंक के अंदर वाटर भी हो तो तब भी आपका जो है वो मूव नहीं होगा। मिस्ट इसकी अब मैं नहीं चला सकता क्योंकि पानी मेरे पास मौजूद नहीं है। मैंने वैसे एक दो चला के किसी फंक्शन में गया था तो वहाँ पर चले हुए देखे थे, ये नहीं अदर कंपनीज़ के। तो काफ़ी आउट क्लास प्रोडक्ट है और ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। आई थिंक सो कि हब्बस के अंदर और लॉन के अंदर कामयाब है, घर के अंदर भी कामयाब है, क्योंकि मिस्ट आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर रिकमेंडेड है आउटडोर के लिए। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी सवाल है आपका, तो सामने स्क्रीन पे आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये ख़रीद भी सकते हैं पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, वो फिर आपकी रिस्क पे है।
हम पूरा कॉटन बेच सकते हैं और सब कुछ ओके करके बेच सकते हैं, लेकिन वो आपके रिस्क पे है। हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए डिलीवरी देते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए प्राइस भी बेस्ट मिलेगी और सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन से दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।